क्या आप सीआरएम खरीदने जा रहे हो अपने बिजनेस के लिए, या आप फ्रीलांसर एजेंसी ओनर हो अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो कि आप ऐसा करो एक सीआरएम परचेज कर लो। पता है 90% लोग सीआरएम परचेज करने के बाद रिग्रेट करते हैं। वो कहते हैं यार क्या इसमें तो आधे तो फीचर्स ही नहीं है जो हम हमारे बिजनेस के लिए चाहिए, इसमें तो फीचर्स ही नहीं है। उनकी टीम सीआरएम कभी यूज ही नहीं करती है। टीम भी कहती है यार सर पता नहीं कौन सी चीज लेके आ गए, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये काम कम होने के बजाय काम और बढ़ा जा रहा है। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप CRM खरीदने को सोच रहे हो या खरीदने जा रहे हो, इस वीडियो को पहले देख लेना, नहीं तो आप फर्जी में अपने पैसे बर्न कर दोगे और उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इस एक वीडियो को देख के आपको क्लियर हो जाएगा CRM खरीदना है नहीं खरीदना है, आपके बिजनेस को CRM की जरूरत है या नहीं है। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो CRM के क्या क्या अल्टरनेटिव हैं, और अगर CRM परचेज भी करना है तो सबसे अच्छा सबसे सस्ता CRM एकदम इजी टू यूज, जो टीम एकदम आसानी से समझ जाए यूज करना, कौन सा CRM है, स्टार्टिंग में कौन सा परचेज किया जाए। ये बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। मैं बहुत रिसर्च करके लाया हूँ इस टॉपिक्स के बारे में। बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो सारे बिजनेस ओनर्स फेस करते हैं। ये मैं खुद कंसल्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, जितने भी क्लाइंट्स मेरे साथ काम करते हैं। तो देखो पहले तो ना CRM को थोड़ा समझ लेते हैं, CRM क्या काम आता है। CRM बेसिकली आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देता है। इसको नाम तो दिया गया है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बट आधे से ज्यादा बिजनेस ओनर समझ ही नहीं पाते हैं CRM का यूज है क्या। तो अगर आपके बहुत सारी लीड्स हैं, अलग अलग लोगों को आपको लीड्स पास करनी है, अलग अलग आपके टीम मेंबर्स हैं, उन लीड्स का क्या फॉलोअप हुआ कि नहीं हुआ, लीड्स क्लोज हुई कि नहीं हुई, आपको अलग अलग लोगों को डेलीगेट करना है, तो ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप पेन पेपर पे कर रहे हो, अगर आप स्प्रेडशीट पे कर रहे हो, तो एक पॉइंट पे बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं पे आता है CRM का रोल। CRM क्या करता है, इन सब काम को आसान कर देता है, एक प्रोसेस में स्ट्रीमलाइन में ले आता है। आप अपना सारा डेटा एक जगह रख सकते हो, उस डेटा को आप अलग अलग लोगों को डेलीगेट कर सकते हो, प्रॉपर एक लीड की जर्नी देख सकते हो कि ये आया तो क्यों नहीं क्लोज हुआ, कितने लोग क्लोज हो चुके हैं। पर ये सुनने में जितना बढ़िया लग रहा है और जितना आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे CRMs बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और टीम बहुत बार नहीं सीख पाती है, नहीं अडैप्ट कर पाती है, क्योंकि वो काफी टेक्निकल होते हैं। दूसरी चीज, इंडियन बिजनेसेस के लिए बहुत सारे CRM बने भी नहीं होते हैं। वो CRMs बने होते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बट अगर कोई छोटा सा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस ओनर है, शायद उसके लिए वो CRM ना बनाओ। पर भाई CRM में सारी कमियां नहीं, कुछ इसके फायदे भी हैं। चलो पहले इसके फायदे समझ लेते हैं। तो CRM के थ्रू आप सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट कर सकते हो। आपके पास जितना भी डेटा है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास मार्केटिंग का फॉर एग्जांपल बहुत सारा डेटा, आपके पास डेली 100-200 नंबर्स आते हैं और आपके 3-4 टेलीकॉलर्स हैं, आपको हर किसी को असाइन करना है, तो आप CRM के थ्रू सारा काम असाइन कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, और आप अपने पूरे डेटा को, बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली आपके काम को और आसान बनाता है। आप अपनी कस्टमर की जो रिलेशनशिप से इसको इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि CRM में, बहुत सारे CRM में ऐसे फीचर्स भी आते हैं कि कोई भी क्लाइंट आके, कोई भी कस्टमर आके वहां पे कोई इशू रेज कर सकता है। आपको पता चलेगा कि कहां पे इशू रेज हुआ है, क्या उस डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक उस क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी है नहीं करी है, आपकी सेल्स टीम क्या क्लाइंट्स कन्वर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइंड हो जाती हैं, CRM के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट कैसे समझा जाए कि एक बिजनेस को किस पॉइंट पर जरूरत है एक CRM की। देखो अगर आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही कस्टमर का डेटा मैनेज करने में, अगर आपके पास डेली 100-200 लीड्स आती हैं, या आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया है, आपके पास 1-2 लाख लीड्स पड़ी हुई है, डेटा पड़ा है क्लाइंट का, और आपको सबको मैनेज करना है, आपको अलग अलग टीम मेंबर्स को डेलीगेट करना है, तो शायद इस पॉइंट पर आपको एक CRM चाहिए। क्योंकि क्या है ना, डेटा का फ्लो बहुत ज्यादा है, इतना डेटा मैनुअली मैनेज करना, स्प्रेडशीट्स के थ्रू मैनेज करना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आप नहीं ट्रैक कर पाओगे उसमें से कितने लोग क्लोज हुए, कितने नहीं क्लोज हुए, या फिर अगर आपकी एक बड़ी टीम है, बड़ा क्लाइंट बेस है, तो उस सबको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि आप जितनी लीड्स असाइन कर रहे हो सेल्स टीम को, उसमें से कितनी क्लोज हो रही है, सेल्स टीम फॉलोअप कर रही है या नहीं कर रही है, तो जो क्रैक्स हैं, जो लीकेज है, वहां से क्या होगा, आपकी सेल्स मिस हो जाएंगी। तो CRM क्या करेगा, इन सारे लीकेज को फिक्स कर सकता है। आप जाके CRM पे देख सकते हो कि अगर ये लीड मैंने इस वाले बंदे को दी थी तो क्या इसने फॉलोअप किया कि नहीं किया, और कितनी बार फॉलोअप किया, हर बार का रिमार्क आप जाके चेक कर सकते हो एक CRM के थ्रू। टीम बड़ी है, कम्युनिकेशन में इशू आता है, तो ये प्रॉब्लम भी एक CRM फिक्स कर सकता है। तो अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको एक CRM की जरूरत है। अभी मैं आगे सिंपल एक स्टेटमेंट में बताऊंगा कि CRM चाहिए या नहीं चाहिए, बट उसके पहले समझ लेते हैं कौन से ऐसे बिजनेस है जिनको CRM की जरूरत नहीं है, आपको कोई CRM नहीं चाहिए। वेरी स्मॉल बिजनेसेस, आपका बिजनेस बहुत छोटा है, जस्ट अभी आपका स्टार्ट हुआ है और आपको दिन की 1 लीड्स 2 लीड्स 3 लीड्स आ रही हैं, तो डे 1 पे जरूरी नहीं आपको सब कुछ चाहिए, तुरंत ही आपको एक CRM चाहिए। आप स्टार्टिंग में आप
स्प्रेडशीट्स के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो, आप गूगल शीट, एक्सेल शीट, आप उसके थ्रू भी डेटा मैनेज कर सकते हो। तो अगर बहुत छोटा बिजनेस है तो उस पॉइंट पे नहीं जरूरत है आपको किसी सीआरएम की। आपका बहुत नीश बिजनेस है, बहुत स्पेसिफिक बिजनेस है, हो सकता है उस बिजनेस के लिए कोई सीआरएम ना बना हो, ठीक है, तो हो सकता है आपको एक कस्टमाइज सीआरएम चाहिए, आपको एक अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से सीआरएम बनवाना पड़े, डिजाइन कराना पड़े, जो कि इजिली सॉफ्टवेयर कंपनीज कर देती हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज, अगर आपका काफी कम कस्टमर इंटरेक्शन होता है, देखो बहुत सारी जगह क्या होता है, लीड्स आती हैं, उस पर कॉल किया जाता है, सेल्स हो जाती है, जितना सेल्स हो गया उतना बेटर है, बाकी डेटा डिस्पोज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको बार बार फॉलोअप नहीं किया जाता है। तो अगर आपका इस तरह का बिजनेस है जहां पे आपको बहुत ज्यादा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, आपकी वन टाइम सेल्स हो जा रही है और बाद में आपको डेटा की जरूरत नहीं है, तो इस पॉइंट पे भी आपको शायद सीआरएम की जरूरत ना पड़े, हो सकता है गूगल शीट्स के थ्रू काम हो जाए। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि सीआरएम की जरूरत कब है, तो सीआरएम की जरूरत तब है जब आपका लीड फ्लो काफी ज्यादा हो, आपके पास बहुत सारी लीड्स आ रही हैं और बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जिनको आपको असाइन करना है, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, पहले से पुराना डेटा है, आपके क्लाइंट्स ज्यादा हैं, उस पॉइंट पर आपको एक सीआरएम चाहिए। अब सीआरएम का एक अल्टरनेटिव भी है, आप क्या कर सकते हो कि पैबली के थ्रू छोटे मोटे सीआरएम बना सकते हो। तो पैबली एक ऑटोमेशन टूल है, यहां पर मैं किसी भी टूल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आपको नीचे कोई भी एफिलिएट लिंक नहीं मिलेगी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि एक बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी है। तो अभी मैं क्या करता हूं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज को मैं कनेक्ट कर देता हूं गूगल शीट के साथ, ठीक है, और वो कनेक्शन होता है पैबली के थ्रू। पैबली कनेक्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे वेबसाइट और गूगल शीट कनेक्ट हो जाती है, या फेसबुक एड्स और गूगल शीट आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जितना भी डेटा वेबसाइट पे हो रहा है वो ऑटोमेटिक गूगल शीट पे चला जाता है, और पैबली कनेक्ट पे जाके आप बहुत सारे ऑटोमेशन बना सकते हो। तो कुछ सीआरएम का अल्टरनेटिव भी आप तैयार कर सकते हो, जैसे पैबली कनेक्ट एक है, एंड लास्ट वन इज ये प्रीवियर नाम का सीआरएम है जिसको आप यूज कर सकते हो, ये काफी इजी टू यूज है, ठीक है। तो इसको मैं कभी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई एफिलिएट लिंक नहीं मिलेगी, ना कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है, पर मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट को सजेस्ट किया है, ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। इसमें अगर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या होता है, इसमें लीड्स आएंगी ऑटोमेटिक, अगर आपकी वेबसाइट पे लीड आ रही, कहीं से भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, तुरंत इस सीआरएम में लीड आ जाएगी। यहां से आप किसी को भी असाइन कर सकते हो, किसी को भी अपने टीम मेंबर को बता सकते हो, किसी को भी टीम मेंबर में ऐड कर सकते हो। तो प्रीवियर बहुत इजी टू यूज सीआरएम है। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए और डिटेल चाहिए तो आप जाके स्पेसिफिक इस सॉफ्टवेयर को देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। बट आई होप आपको इस एक वीडियो से क्लियर हो गया होगा सीआरएम खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर आपको और भी क्वेश्चन है इस तरह के तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।